हाथ पकड़ इसके। ये क्या कर रहे हैं देखता हूँ कहाँ छुपा रखा है तूने माल पा। लो मैंने कही थी नहीं माने, लो देख लो अच्छे से देख लो देख लो। So what's up guys, welcome back to our channel बेफिक्रे। बेफिक्रे में आप सबका स्वागत है और मैं तुषार आप सबके साथ आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो और कुछ नहीं, आज हम करने वाले कुछ नया। क्या नया? So ऐसे हम मूवीज के ट्रेलर और टीजर पर रिएक्ट करते थे, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्रिएटर्स के वीडियोज पर रिएक्ट करें। तो हर्ष बेनीवाल, इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर, उसका नया वीडियो आया है दारू विद टैड 4, तो उस पर हम करेंगे रिएक्ट। और जो हर्ष बेनीवाल को फॉलो करता है उसने दारू विद टैड 1, 2 और 3 दोनों देखा होगा और उन्हें बहुत मजा आया होगा। बट आज हम उस मजे को दुगना करने वाले हैं हमारे रिएक्शन के साथ। सो बने रहिए हमारे साथ और हमारा रिएक्शन देखिए, लेट्स सी। जिसने भी ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी है वो जाए और ओरिजिनल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन पे होगा लिंक, वहां से जाके देख सकता है, यहाँ हमारा रिएक्शन एंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं फिर। कबीर सिंह भाई कुंदन हनी डैडीज होम ओपन द गेट कुंदन कुंदन तू ठीक है? राम जादे चने के साइज में बादाम वाला एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को। बाप बाप होता भाई। केडी साहब जब मर्द की ऐसी दाढ़ी हो जाती है ना तो वो एटीट्यूड नहीं दे। So, और क्या यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? 50-60% लोग हमारे पे ऐसे ही है, कर दो। तीन चौक दिया यार, कहाँ से लगूंगा मैं दिल दिला आशिक? तेरी हर राम ये इंडियन औरतों को ना स्वालो करना सीखना चाहिए ताकि तेरी ऐसी गंदी औलाद पैदा ना हो। आज तो तुझको मार दूंगा, आज तो वो आज तेरे को मार दूंगा मैं, मार दो मार दो। वैसे भी अब जिंदगी के अंधेरे से अच्छा तो मेरे लिए मौत का सवेरा है। वे कुंडन क्या हुआ मेरे बेटे से, क्या हुआ बता मेरे को। अबे बताना ये क्या बफर क्या मार रहा है? आप नहीं समझोगे केडी, आप नहीं समझोगे। वे एक पापा नहीं समझेगा पर दोस्त तो समझेगा ना। ए क्या
नहीं गुंडू नहीं, क्या था ये झूठ है? ये सच है केडी, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है, शायद से उसको फैमिली प्रेशर है, वरना मेरे जैसा लड़का कोई क्यों छोड़ेगा? वाह रे वाह, अबे हमारे खानदान के मर्द दूसरों के बगीचे के फल चट कर जाते थे, और यहाँ तू अपना बगीचा नहीं बचा सका। मैं क्या करूं केडी? क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूड को क्या करना चाहिए? अरे अपना बगीचा बचाना चाहिए। कैसे? कल शादी है उसकी, जैसलमेर में, वो भी इस टाइम तो ना कोई बस मिलेगी और कैब तो रहने दो, बहुत महंगी होगी। चलट परे भी, मोहब्बत में तू दौलत को देखता है, तू अपना बगीचा बचा के रहेगा? तू मेरे को बता, तेरे को कितना पैसा चाहिए? अरे तेरा बाप देगा यार 800, 810, 820, 830। ये माली बहुत होनहार है, ये नया बगीचा ढूंढ लेगा। अरे पैसा पैसा कुछ नहीं होता यार, ये भूल जा, दिमाग से निकाल दे। तू पैग पी यार, तिरले बना दो 90 ml। हाँ और सुन, ये ले पापड़ का, अरे बहुत स्वाद है। तुम जैसे लोग ना दोस्ती के नाम पर कलंक हो कलंक, पहले बड़े बड़े सपने दिखाओ और फिर कह दो कि ये पॉसिबल नहीं। कदम बड़ी। अरे उठो मेरे साथ, आओ उठो। देखो अपने वादों पर मुंह देने वाला ये केडी मेरा केडी नहीं हो सकता ना। मुझे मेरा केडी लौटा दो भगवान, मुझे मेरा केडी लौटा दो प्लीज, मुझे मेरा केडी लौटा दो, मेरा केडी लौटा दो। भाई साहब 500 एक्स्ट्रा लेके एक चूपा मेरा भी लगवा दो। ओए हट जा चल, ओए खड़ा हो, नहीं तो ये लोग कुल्ला करा देंगे इधर से। बड़ी बेकार जगह यार ये तो। भाई ओ भाई बरसा बरसा दे मुझे मेरी बबीता रानी अलावत चाहिए। बबीता रानी अलावत? अबे पूरे जिले का नाम बता रहा है क्या? शॉर्ट में बता क्या नाम है। शॉर्ट बबीता रानी ब्रा। केडी मुझे मेरी ब्रा चाहिए, मुझे मेरी ब्रा चाहिए, मुझे ब्रा दे केडी, मुझे ब्रा दे, मुझे ब्रा दे, मुझे ब्रा दे, मुझे ब्रा दे, मुझे। बदतमीज। सॉरी मैडम सॉरी, ये मेरा लड़का नहीं है, पड़ोसी का है, सॉरी। राम जाते मुंह पर चिटक नहीं लगा के खड़ा रहे। ब्रा चाहिए, सोचने दे कुछ करता हूँ मैं। ब्रा। हे भगवान कोई तो दरवाजा खोल दे, कोई तो खोल दे। मैं तो लुटपुट। अरे राजेंद्र भाई साहब कैसे हो? आपका टैक्सी का काम कैसा चल रहा है? बस जी रोटी पानी चल रही है, थोड़ा बहुत 2000 रुपए कमा लेते हैं। क्या बात है? अरे मजाक कर रहा हूँ, मार चुप रखे मार्केट में यार, तुम बिस्किट पे अंकि टन टना टन है। ये ही ना बात, चलो। राजेंद्र मेरे भाई प्लीज मेरे कुंडू का घर बसा दे, ले चल उसको उसके साधन के द्वार प्लीज यार। अरे हट चलो तुम्हारी बहन। राजेंद्र मेरे भाई प्लीज ले चल हमें, कुंदन भी तो तेरे बेटे जैसा ही है ना। इसका तो पता नहीं पर तू तो मेरे बेटे जैसा है। पापा बोल ले जाऊंगा। पापा पापा सुनो ना, पापा पापा बोल दो ना, एक बार बोल दो ना प्लीज, एक बार बोल दो। एक मिनट। बोल पापा ले जाओ प्लीज, हमें ले चलो राजेंद्र। बात तेरी माँ की। मैं क्या करूँ यार? अरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है ना, मैं करते रहा हूँ। अभी अभी आएगा, अभी आएगा, दोबारा करते हैं। बोल पापा पापा हमें ले चलो राजेंद्र। बात तेरी माँ की चूतले। सॉरी यार मैं कर रहा हूँ ट्राई, मैं क्या करूँ यार, मैं कर रहा हूँ ना ट्राई। ले जितने तेरे को ट्राई लेने तो ले, जितने तेरे ट्राई बढ़ते जाएंगे ना उतने तेरे चांसेस कम होते जाएंगे। साले केडी तेरी चर्बी तो आज मैं निकालूंगा। अबे चर्बी निकल चुकी है दल्ले, इंस्टाग्राम नहीं देखता क्या मेरा? केडी सुनो प्लीज 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 केडी डू इट फॉर मी प्लीज, एक बार हमें जाना है ना प्लीज बबीता। भाई आप लोगों ने
भाई जो भी देख रहा है वो आप लोग हर्ष का बॉडी देगा भाई, एक नंबर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हमें ले चलो राजेंद्र पापा। जान नहीं लेके जाते, पापा का मजबूत नहीं है। पापा का मन है कि पापा इस दारू पियेंगे, पापा जी एंजॉय करना चाहते हैं। हट जाओ पापा के रास्ते से, तुम्हारी बहन की टंट ना टंट। साला मैं तो बाप बन गया, बाप बन के देना। बंधन खड़ा हो, तू अपनी बरा लेने जाएगा और यही लेके जाएगा हमको। ये बात तेरा दोस्त नहीं, तेरा बाप कह रहा है। ओ बट गाड़ी का जुगाड़ नहीं हुआ। अरे वो मादर चोद राजेंद्र भी अंटे में नहीं आया। अरे नहीं, पागल है क्या? उसको थोड़ी बता सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कुंदन की लुटती तिजोरी बचाने में नहीं है, बल्कि खुद की तिजोरी भरने में है। अरे तुमने मेरे को ये बात बता के बहुत अच्छा किया कि जैसलमेर के जिस 400 साल पुराने महल में कुंदन की सेटिंग की शादी हो रही है, वहां के पुराने रजवाड़ों ने अंग्रेजों से बचाकर अपना सोना गहरी गुफा में छुपा के रखा हुआ है। पूरे 200 किलो सोना है। 200 किलो सोना? अरे अरे, मैं धीरे बोलता हूँ, कहीं कोई मेरी बात सुन ना ले। जो नीले घाघरे वाली औरत है, अरे वही यार जो हमारे प्लान में शामिल है। अरे जिसके पास तहखाने का नक्शा है, उससे नक्शा लेने के लिए क्या कोड वर्ड बोलना होगा? अच्छा अच्छा समझ गया, तो कोड है घाघरा उठा खजाना दिखा। हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ पर याद रहे, इस सोने के सिर्फ 3 हिस्से होने चाहिए। 3 नहीं, 4। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? राजेंद्र ने तो मेरा सारा प्लान सुन लिया। शिट यार शिट। चल ठीक है, कोई नहीं राजेंद्र, तू भी ले लियो अपना हिस्सा। पर याद रहे, कुंदन को इसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सोने के अंदर एक और हिस्सेदार आए। खानदान जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उस तक की गांठ फटेगी मेरी मर्दानगी की आग देखकर। इसलिए राजेंद्र मान के चलने को। पर हम उसको ये भी तो बोल सकते ना कि राजेंद्र बहुत अच्छा इंसान है, उसने हमारी हेल्प कर दी। मादर क्यों बोलना यार? नहीं यार, मेरे वाला बढ़िया। चल जल्दी 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 कर, चल मेरे मेरे को चलो के बाद। सब कुछ ही मिटा देंगे,
अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जल्दी चलिए अरे कुत्ते बेटा नाम कैसे ले रहा है सर बोल सर साले तूने रजेंद्र अरोड़ा के चाटा मारा तेरी सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन कितना सोना सोना है आइए सर बैठिए मरिए सामान रख दियो अंदर ठीक है चलो कदमड़ी इन माय ओपिनियन जब मेरे पास गोल्ड आ जाएगा गोल्ड बहुत सारा गोल्ड तो मैं सोच रहा हूँ कि आगने के बाद ना गांड ना दूं क्या क्योंकि तेरे बेटे से चाट के अपनी गांड साफ करवाऊंगा इसकी बैट की टट टट रजेंद्र भाई साहब गुस्सा नहीं देखो आई जनरली सपोर्ट योर ओपिनियन मेकिंग स्किल बट आप अपनी स्किल ना ऐसे बंदों पर वेस्ट मत करो अरे अपनी स्किल का यूज करो प्रोमो पर अपना ओपिनियन देने के लिए जो कि है इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप अरे इसमें मेरे को करना क्या होगा यार सिंपल बता अरे आपको कुछ नहीं करके अब पैसे जीते दूंगा तो आप अपने इसके अंदर Good, amazing, beautiful and wow. वो तो तूने मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज बता दी नहीं तो मैं तेरे बेटे को ना बैंक के इससे साथ मिलके बदला लेंगे दोनों मेरे को भी कोई खास पसंद नहीं है ये डर्टी डॉटर अरे इससे अच्छा तो मेरा वो दूसरा लड़का है यार नंदन पर नंदन तो मेरे बेटे का नाम है ना कितना भोला है यार राजेंद्र जल्दी आ गाड़ी भी चलानी है ये मेरा बेटा नंदन है और इसका बेटा नंदन मतलब कि तेरी बहन की टंटनाटा नने जो मैं यहाँ मत साने लाइन तो मैं दीजे कोमो है जेने परफेक्ट ग्रासियासो राइस है कोमो है यार केडी, I am so excited for this marriage. मैं ना शादी के बाद अपनी सारी गंदी हरकतें छोड़ दूंगा। दारू पीना, सिगरेट पीना, GRWM वाली रील बनाना, सब बंद। वैसे केडी, मतलब शादी के बाद सब चेंज हो जाता है क्या? Yes, कंडीमेंट। शादी के बाद सब बदल जाता है। तेरी लाइफ है ना, वो दूध की तरह, और जो शादी है, वो चाय पत्ती की तरह। तो जब दूध के अंदर चाय पत्ती गिरेगी तो दूध बदल के चाय तो बन ही जाएगा ना हाँ लेकिन चाय को कड़क रखने की जिम्मेदारी तेरी है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्यों भाई साहब बिल्कुल ये बिल्कुल सही डोंट वरी केडी डोंट वरी वैसे यार बस सॉर्टेड हो जाएगी लाइफ यार सुबह उठूंगा सुबह उठेगा क्या क्या करके उठेगा और कैसे उठेगा मेरे को बता डिटेल में सब कुछ सुनना है मेरे को हाँ जल्दी बताओ मेरे को भी सुनना है एक एक मिनट क्या क्या करके उठूंगा सो के उठूंगा अबे कंड बहन के लड़के तू छोड़ यार आगे बता हाँ तो मैं मस्त सुबह उठूंगा वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही होगी फिर मैं धीरे से उसके पीछे जाऊंगा पीछे जाएगा फिर उसको उसका गुड मॉर्निंग बोलूंगा हेलो जी गुड मॉर्निंग और फिर पता है क्या उसके बाद मैं चला जाऊंगा जॉब पर फिर मैं जॉब से वापस आऊंगा वापस आऊंगा तो वो दरवाजे पर खड़ी होगी हाँ खड़ी हो गई फिर मैं धीरे से उसके और चूम लूंगा और चूम लूंगा भाई मजा आ जाएगा अबे सिर्फ और नहीं चूमेगा या कुछ और भी चूमेगा उसके छी केडी एक मिनट मेरा प्यार जिस्मानी नहीं है रूह से एकदम अबे कैसे समझाऊं तेरे को गांडू भी तो है तू अच्छा गंडे एक बात बता तेरे को चाय कैसी पसंद है अदरक वाली या बिना अदरक वाली ऑब्वियसली अदरक वाली
कोई चूतिया ही होगा जो बिना अदरक वाली पिएगा। हाँ तो तू ही है वो चूतिया। इसकी बहन की टन। मैं इसकी माँ। नो गुंडन। दिस टाइम राजेंद्र इज राइट। बेटा तेरी शादी वाली चाय के अंदर ना सेक्सी वो अदरक है जो उसका स्वाद बढ़ाएगी। बेटा एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ना हफ्ते में कम से कम 30-40 बार सेक्स करना चाहिए। बाप रे बाप। और 2-3 बार अपनी बीबी के साथ भी कर लियो। बिल्कुल सही बोला। तुम क्या बातें करते हो यार, मुझे क्या सिखा रहे हो तुम ये? अरे मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं सही से चुप एकदम चुप। ना माना है ना मान। मैं सही से चुप। अरे फिर तो मेरा वो सुनो पार्टी। मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, मेरी शादी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? मुझे मत बताओ। और तुम दोनों थोड़ा ना यार ये नीचे से ना ऊपर आओ, हैं? प्यार, इमोशन, लव, इसके बारे में पता है कुछ? कुछ भी? अबे ये प्यार में तो होता है ये सब। तेरी बीवी इसकी बीवी की तरह थोड़ी है जो सेक्स के बाद पैसे मांग ले। खत्म बड़ी। तो फिर मेरी बीवी के ऊपर जा रहा है। अरे भाई साहब मैं कहीं नहीं जा रहा, वही आती है मेरे ऊपर। उतर गाड़ी से, उतरो तुम्हारी बहन की टंटराटन। उतरो गाड़ी से, उतरो गाड़ी से। सोना सोना दिल मेरा, सोना सोना सोना। इसको क्या हुआ? बेटा जिसकी बीवी केक की तरह पूरे मोहल्ले में बटे वो पागल तो हो ही जाएगा ना। Let's continue, buddy. तो केडी हम जब इतना खुल के बात कर ही रहे हैं तो मैं एक चीज शेयर कर सकता हूँ क्या? Yes, anything and everything. यार मुझे ना एक प्रॉब्लम है। ए भगवान, छोटा कुंडू लंगड़ा है वो खड़ा नहीं हो सकता? नहीं नहीं ये खड़ा हो जाता है कहीं भी, ये है प्रॉब्लम। अबे तुम ही बताओ ना यार, शादी के बाद अगर बबीता ऐसे देखेगी तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, यू नो ना। अरे कुंडू इसमें कुछ गलत नहीं है। देख जब भी कभी छोटा कुंडू ऐसे बिना बताए दस्तक दे दे तो कुछ ऐसा गंदा घटिया घिनौना सोचने लग जा, अपने आप चूहा बिल के अंदर घुस जाएगा। गंदा घिनौना मतलब कैसा? मैं समझा नहीं। जैसे अबे यार, जैसे तू ये इमेजिन कर लिया कर कि मैं और राजेंद्र नंगे होके एक दूसरे की स्मूचे मार रहे हैं, स्मूचे। अबे अभी क्यों इमेजिन कर लिया? अरे इतना भी क्या हो गया? हम फैमिली के लिए जा रहे हैं। हम फैमिली है ना सारे। हाँ फैमिली है जी।
चलो चलो तुम्हारी मदद से कर एक कर कर मिला हुआ ये पुलिस वाले क्यों हैं आप? टेंशन मत ले, मैं बात कर लूंगा, मेरा मिनिस्टर पे बातचीत है बहुत सारी। हाँ भाई आ रहे हैं। टच मत करो मुझे, आप टच मत करो, टच मत, मेरे चाइल्ड को भी टच मत करो, इसको भी टच मत करो। हाँ और देखियो कितने बोतल डाउन हो साले। एक्सक्यूज मी मिस्टर इंस्पेक्टर, क्या मतलब है कितनी बोतल डाउन है? नहीं आपको क्या लगता है हमने शराब पी रखी है? आपको क्या लगता है हम शराबी हैं? अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने अपने कच्चे में बोतलें छुपा रखी है। एक मिनट, ये क्या है? तो यहाँ छुपा रखा है माल है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये माल पानी नहीं है, ये तो मेरी मेरी सूंड है, सूंड। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो गप्पू आती अपनी सूंड से थोड़ा पानी हम पे भी छिड़क दे। हैं खोल भाई साहब। क्या मतलब खोल, पागल हो गया? अबे खोल भाई साहब, क्या कर रहे हैं? मेरा चाइल्ड सामने है यार, आई नो माय राइट्स, मैं कुछ भी कर दूंगा। ओए हाथ पकड़ इसके, ये क्या कर रहे हैं? ये देखता हूँ कहाँ छुपा रखा है तूने माल पा। लो मैंने कही थी नहीं माने, लो देख लो अच्छे से देख लो, देख लो अंदर कर इसको, पीछे अंदर कर। अरे भाई साहब कुछ नहीं कहेगा, बहुत फ्रेंडली है, छू के देखो। पैंट पर कर, पैंट पर कर। अरे भाई साहब बाहर निकला, इसको टहलने दो, है फ्रीली घूमने दो यार, थोड़ा सा थोड़ी देर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, देखो देखो देखो। मैं कहता हूं अंदर डाल, अंदर डाल। हां आप बोलो, मैं भी अंदर डालता हूं। क्या मस्त जोक मारे, कितना फनी हूं मैं। सर 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 एक्सीडेंट ही तो था, अब जान के थोड़ी की है, और वैसे भी भाईचारे वाली बात है, प्लीज है, जाने तो इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं थी वैसे। इतनी बड़ी चीज नहीं है, साले पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे हाथ छोड़ने के लिए 2 साल की सजा है, और जो तुमने छोड़ा है ना उसके लिए फांसी भी कम पड़ेगी। नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, कुछ देखो ना सर, ले दे के हो जाए अगर, थोड़ा देखो ना। ले दे के, साले पुलिस ऑफिसर ड्यूटी को घूस देने के लिए 1 साल की सजा है, तुम्हें क्या लगता है ईमानदार पुलिस वाले केवल कहानी में होते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ पुलिस वाले हमारे जैसे भी हैं जो खाकी रंग की इज्जत करना जानते हैं। घूस देगा साले, घूस देगा। नहीं 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 नहीं, आओ भाई बन गई रील। हाँ जी बन गई, लाओ भेज दो। चलो भाई तुम्हें छोड़ने के 80,000 लगेंगे। 80,000? अरे ये तो बहुत महंगा रेट है यार, अरे मुंह पे छुआने के कौन 80,000 पे लेता है, या तो इनकी फुल सर्विस दो। हाँ? वो भी हम तीनों को। सात दिन का थाईलैंड का टूर, एक नया आईफोन, 1200 किलो टमाटर, 52 रशियन और 1 साल के लिए कदमड़ी की मम्मी। अबे क्या बड़बड़ा जा रहा है वो? नहीं सोच रहा था कि 1.5 लाख में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती थी जो मैंने आपकी गांड बचाने के ऊपर लगा दिए। एक 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 रुपए का हिसाब लूंगा साले, साले तेरे हिस्से का ना मैं सारा सोना। ये कुछ अच्छा हो सकता है क्या मेरी लाइफ में कभी, मतलब जस्ट वंस? भाई सुनो, आप ना गाड़ी घुमाओ, मुझे पता है मुझे नहीं मिलने वाली वो, भाई गाड़ी घुमाओ आप। हेंचू यार
लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी में थोड़ी सी लाइफ है। और चुप कर तेरी बहन की टंटनाटन है। अबे तेरे को लगता है तेरी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी है? अबे इसलिए लगता है क्योंकि तू उसी के ऊपर फोकस करके बैठा है। अबे कितने बच्चों का सपना है कि उनका बाप उनका दोस्त बन कर रहे है, और तू ये सपना इतने सालों से जी रहा है, और ये कदमड़ी को देख, ये तेरे साथ दोस्त बन के हरामी पना भी फुल करता है और बाप बन के साथ भी देता है। अबे और क्या चाहिए तेरे को लाइफ में? चल चल पागल, ईमो हो जाता तू भी, चल गड़ाओ तू। मैं तेरा बाप तेरे को प्रॉमिस करता है कि अब तेरी कुछ गलत नहीं होगा तेरे साथ, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ निकलेगा, ये तेरे बाप का वादा है, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस? हाँ ये पिंकी प्रॉमिस, यस। नाउ लेट्स एंजॉय द जर्नी। यस पागल, खुश रह कर। आराम से करो यार। आराम से कर रहा हूँ, रुक तो जा। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। थोड़ा तो होगा ना बेटा। अच्छा ये बताओ, मेरे चेहरे पे तो नहीं लगी ना कहीं? दूल्हा हूँ यार, अच्छा दिखना जरूरी है बहुत। हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है एकदम, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं लगी, मस्त लग रहा है एकदम, शाहरुख खान है। क्या बात कर रहे हो किरण? तुम सिर्फ मेरे हो करण, तुम सिर्फ मेरे। अबे कौन है कुत्ते का बीज? ये मेरा? नो नहीं, ये मेरे दांत को क्या हुआ? पापा नहीं, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकता पापा यार। शट अप, नो। अब बैठ के बात करते हैं, मैं समझाता हूँ, बैठ के। आजा आजा आजा, चल चल आजा, बैठ इधर, बैठ इधर, इधर बैठना। कुंदन, कुंदन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहू तेरे को इस हालत में देख के शादी के लिए मना कर देगी? कुंदन बेटे, अगर हमारा कुत्ता नाली में भी लौट कर आए तब भी वो हमारा ही कुत्ता रहता है, हम तब भी उसको उतना ही प्यार करते हैं कुंदन। अरे क्या फालतू के डायलॉग बोलते रहते हो यार। अरे फालतू इसी, कम से कम तेरे को डायलॉग मिल तो रहे हैं, मेरे को तो ये इसकी बहन की टंट नाटन बोलने के लिए बुलाता बस। बेटा जितना स्क्रीन टाइम तेरे को मिल रहा है ना इस बारी, इतना तो डिजर्व नहीं करता है, अब तेरे को डायलॉग भी दे दे। है साले तेरे चिट्टे दारू विद डैड है, ये दारू विद राजेंद्र नहीं है, ला तू दे साला। सोचा चुपचाप, और सुन 8 बजे उठ जाइए, निकलना है हमको, चले ना। अबे तुम मोड़ तुम मोड़ इरिटेट कर दिया मेरे को, सो का यार मैं। ये ले हल्दी वाला दूध पी। नहीं पीना मुझे यार। बैटर फेल होगा, पी ले। नहीं है यार मन। हाँ अभी मना कर रहा है, और साले स्वागरात में तो एक सांस में अटक जाएगा है। ले पी ले, ले पी ले, चल। अच्छा कुंदन एक बात बता। हाँ। तेरे को पता तो है कि स्वागत कैसे मनाते हैं, हैं? बिल्ली कैसे मारते हैं जानता है? You know what, केडी? तुम्हारे साथ बैठता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई ना मुझे गलत जगह से छू रहा है, मतलब मुझे बहुत मॉलेस्टेड फील होता है यार। क्या लैंग्वेज है ये, मतलब क्या? और मेरी सुहागरात है यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे पता है क्या कैसे करना होता है क्या सब, ठीक है? मैंने किया हुआ है। बस यही हार गए तुम गुंडू, एक बल्लेबाज आईपीएल में कितने भी रन बना ले पर वर्ल्ड कप के मैच में वो भी हक सकता है। तो बेटा गुंडू, सुहागरात एक वर्ल्ड कप मैच है, इसमें तेरे को जीतना ही पड़ेगा गुंडू बेबी। यार केडी देखो, अब तुम ना डरा रहे हो, ठीक है? क्या ही अलग होता होगा यार। क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा दोस्त बैठा ना यहाँ पे, वो बताएगा, वो समझाएगा तेरे को। इधर नहीं यार, या तो ना माहौल है ना कुछ, नहीं यहाँ नहीं। अरे तो क्या हो गया, माहौल नहीं है तो अभी बना देंगे माहौल।
सुहागरात की सेज पर बैठी दुल्हन पिया के मिलन को तरस रही है। पिया होले से धीमे पैरों की आहट के साथ धीरे धीरे अंदर आते हैं। अब ऐसे तो तुम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन सुहागरात में सब फिर से अनजान हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम एक नए रिश्ते में बंध चुके हो। अब एक नई शुरुआत है। तो अब मैं क्या करूं केडी? अरे पागल, उसको यकीन दिला कि रिश्ता भले ही नया है, पर उसके लिए तेरा प्यार वही पुराना है और रहेगा। शर्म है कि नहीं यार, तू खुद को बबीता इमेजिन करके बैठे हो। अब क्या करूं यार, इमेजिनेशन में लड़की लाने का बजट नहीं है मेरे पास। तू कर ले ना, इसी से काम चला ले, कर ले इमेजिन, प्लीज कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। अब धीरे से उसके जेवर निकाल के उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर दे। अब रात की मध्यम चांदनी में वो जब तुझे देखेगी तो हो सकता है कि माहौल थोड़ा शायराना हो जाए। वो कुछ कह सकती है जैसे, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, तेरा ले लूं पूरा या थोड़ा थोड़ा। मेरी बबीता ऐसे बात नहीं करती। उसकी इमेज पर एक आंच भी लाए ना तो कल के पेपर में हेडलाइन छपेगी कि बाप के टुकड़ों पे पलने वाले बेटे ने किए बाप के टुकड़े। हैं? चाहिए ये हेडलाइन? हैं? चाहिए? नाउ लिसन, मेरी बबीता क्या बोलेगी? वो मेरे कान के पास आके हौले से कहेगी, लबों से चूलू जिस्म तेरा, सांसों में सांस जगा जाऊं, तू दे अगर इजाजत मुझे तो मैं तुझ में समा जाऊं। जी ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा पसंद का शेर है। ये तो उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो तुझे बोले, सुनिए ना, शादी की रस्मों से बड़ा थक गई हूँ, आज रहने देते हैं, कल करेंगे। अबे तू पागल है क्या बबीता? यहाँ नीचे मैं बालों की हार्ट शेप में कटिंग करवा के आया हूँ, क्या बीटी दे रही है यार? रामजादे, बीटी दे दी? ये बीटी दे दी क्या होता है? अबे अपने गली के यार से बात कर रहा है कि अपनी बीवी से? अरे अपनी बीवी से प्यार से बात कर, उसकी प्रॉब्लम समझ, उसको थोड़ी केयर दिखा, ये क्या होता है बीटी दे दी? सॉरी बंधन, मेरे डर मत, सेक्स इज लाइक फ्लाइंग एन एरोप्लेन। अगर तू अपने को पायलट को फोर्स करेगा उड़ाने के लिए प्लेन, तो हो सकता है क्रैश लैंडिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तू चाहता है क्रैश लैंडिंग हो? नहीं 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 नहीं, नहीं चाहता ना? नहीं ना, बस। तो तू अपनी बीवी की प्रॉब्लम समझ, उसे प्यार से बात कर, थोड़ी केयर कर, उसको अपनी दिक्कतें समझा, उसकी दिक्कतें समझ। अगर तू अपनी पार्टनर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा तो फिर हो सकता है शायद वो इम्प्रेस होके अपनी सारी थकान भूल जाए और फिर पूरी रात आसमान में प्लेन उड़ाएगा कुंडो। ओए कुंडो, केडी, कुंडो डैडी आ, केडी, कुंडो डैडी चौक नहीं मेरा गला घोट दो कुंडो, सिट ऑन माय फेस केडी, सलाम यार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात चुप, एकदम चुप, प्लीज कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, ले जाओ यार ये और कंबल दो। क्या यार बाप है, पिछले जन्म का शराब। देख प्लीज चुप चुप, सो जाते हैं, सो जाते हैं।
थोड़ी जगह मेरे को भी दे दे। जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो निकलो, हटो यहाँ से यार। कहाँ सोऊंगा मैं, अरे कहीं जगह नहीं। अरे प्लीज भाई जाओ यार यहाँ से। अच्छा गुड नाइट किस भाई। जा रहा हूँ। यार भी पता नहीं क्या क्या सोचता होगा मेरे बारे में अकेले में। सी कदमड़ी, तू यहाँ क्यों आया है? वो कहीं जगह नहीं है सोने के लिए, तो यहाँ लेट जाऊं। ये क्या कर रहा है कदमबड़ी? वो ठंड लग रही थी, ठंड ठंड तो है। तो बता फिर। ठंड है तो हम ऐसे लेट सकते हैं, पर ठंड है बस इसलिए। हाँ ऑफ कोर्स, मेरे माइंड में थोड़ी कुछ गलत चल रहा है। तो आ जा। आगुरु तो आखि भी ठीक रखो। गुड मॉर्निंग राजू। व्हाट अ गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ओए कुंदन, वो देख वहां पे मैंने टट्टी का टीला बनाया है। इतना बड़ा टीला, बड़ा मस्त लग रहा है। आजा देख, बड़ा मस्त है भाई। माँ कसम, बिल्कुल रेत वाली टट्टी करी है, सेम कलर की, ट्विनिंग हो गई भाई साहब, ट्विनिंग। चुप हो जाओगे यार, नहीं सुनना आपने, क्या टीला बनाया क्या। 6 घंटे बाद बबीता के फेरे हैं यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज। कम ऑन गाइस, उसको समझा। इतना बड़ा टीला था। चलो चल 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 चल। भाई कुछ हेल्प कर दें आपकी? अरे नहीं भाई साहब, बस हो गया ये थोड़ा। साले हराम हो, क्या हो गया हमारी गाड़ी? मार 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 अरे क्या होगा भाई साहब? अरे भाई साहब, ये लंडसा मेरी गाड़ी चोरी कर रहा था। भाई साहब आप मारो, आओ। इस साले चोरों साथ तो यही होना चाहिए। मर साले के मार, कौन मार, कौन मार, कौन मार, कौन मार, राजू मार, राजू मार, मार 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 साले के। Very nice, very nice, Baba, very nice. अभी ऐसे है, अभी ऐसे साले। ओए जेंटलमैन गाय, सज्जन सा, आप जा रहे हो? मैं बिल्लोजान का शो है भाई, वहीं देखने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। आप जैसे लोग हैं ना दुनिया में, तब दुनिया बदल सकती है। अरे जी बस, थैंक यू सर, बाय। आराम से जाना, बाय बाय बाय। खड़ी गम्मा यार। राजेंद्र, हाँ
कितनी कमाल की बात है ना क्या? कि इसकी गाड़ी पे भी तेरी गाड़ी वाला स्टिकर लगा हुआ है, बिल्कुल सेम राजेंद्र दी गड्डी। अरे कोइंसिडेंट हो गया, नंबर प्लेट भी सेम है। ओ तेरी बहन की तरफ। ओए ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी कुंदन मेरी गाड़ी। अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अरे इसकी EMI चल रही है अभी तक तो। अरे EMI कौन भरेगा इसकी? अरे मेरी 3 गाड़ी में से 1 गाड़ी चोरी हो गई। अरे मेरा धंधा ठप हो गया। बैंक वाले मेरे घर पे मुझसे लोन मांगने आएंगे, मैं क्या दूंगा उन्हें? अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे मेरी बीवी रोड पे आ जाएंगे। सुन तू बीवी की टेंशन मत ले, उसको मैं रख लूंगा अपने पास। सोना रे सोना मिलने के बाद ऐसी 500 गाड़ी खरीद लेगा तू? क्या तू एक गाड़ी के पीछे मर रहा है? बड़ा सोचना थोड़ा। यहाँ मैं तेरे को पिज्जा खिला रहा हूँ, तू बासी रोटी बैठ कर हुआ है, पागल है थोड़ा क्या कर रहा है? एक मिनट तुम क्या खुसर खुसर कर रहे हो यार? 6 घंटे बाद बबीता के फेरे हैं, क्या करेंगे अब? तो क्यों टेंशन, हाइपर क्यों होता है यार तू? टेंशन लेने लग जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाएगा। मेरे को सोचने दे, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। गाड़ी मेरी थी, चाबी अंदर रह गई थी, इसलिए खोल रहा था सालो। और कितनी दूर है यार? बस थोड़ी दूर और है पापा, ये रेगिस्तान का रास्ता हमारे लिए शॉर्टकट पड़ेगा, चलते रहो। ओए सुन कुंदन, अपनी शादी के मंडप में ना 12 चंदन की ना लकड़ियां मंगवा लियो और मेरे को साले वही जला दियो, मैं नहीं जिंदा जा पाऊंगा यहाँ से। पानी है। और है? नहीं है, खाली थोड़ा सा बचा दियो। नहीं है पानी। राजू हिम्मत रखो थोड़ी सी, कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। ए, मिल गया पानी, ये
सनस्क्रीन तो लगा ली है, स्किन के रूटीन हो गया मेरा, बस पीने को पानी मिल जाता ना थोड़ा बेटर फील होता है यार, पीने को नहीं मिल रहा कहीं। राजू ये ना मेरा बाप है, मैं इसको माँ की गाली नहीं दे सकता यार, प्लीज मेरी तरफ से एक गाली दे दे। कदम बड़ी मादर। ये कैसी बात है? बाइक ओए 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 हेलो ओए ओए हम फंसे हुए हैं, ओए आवाज आ रही है। अरे एक मिनट शांत हो जाओ यार। वो एक मिराज था पापा। अक्सर रेगिस्तान में ऐसा होता है कि हम जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं वो चीज हमें दिखाई देने लगती है। दिखाई तो दे रही है बेटा। पर वो एक वहम होता है। शिट यार। ये देख एक और मिराज आ गया। ओए मिराज ओए तुम रहो यहीं मैं आता हूँ। आजा मिराज आ। हिट मी कम ऑन हिट मी मिराज। मिराज आजा आजा। अरे आजा मेरे को टक्कर मार दे मिराज। आजा कम ऑन हिट मी। पापा अरे ओए पापा पापा ठीक हो? लगी तो नहीं। कुंदन एक बात बता, ये मिराज में दर्द असली होता है क्या? कोई है? अरे कोई है? हेलो हेल्प कोई तो सुन लो। हेलो हेल्प हेल्प। पानी Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Papa? राजू पापा उठो। ओए शेख बहन तुम दुबई आ गए? अरे बड़े वाला छोरो 5 साल को भेगो, छोरी कौन मिल रही शादी वास्ते? राजस्थानी है राजस्थानी है। हाँ राजस्थानी है। पर ये कौन है? रुक 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 मैं पूछता हूँ हेलो हबीबी हम नी यहाँ कैसे आती? कैसे? आप यू 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 आप हमारी जान बचाती। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह लॉन्ग लाइफ हबीबी लॉन्ग लाइफ या वेरी लॉन्ग थैंक यू। ओ केडी बीबी अंकल जी ओ मैं था मंजीता स्ट्रेट फ्रॉम पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली। तू लस्सी है? तू खजूर बन के क्यों घूम रहा है? ओ मैं क्या वीरे ओ मेरे दोस्त यारा नु लगदा सीगा कि दुबई च मेरे तेल के कुएं हैगे तो फिर फोटो वोटो खींच के पा देता हूँ यार। और वैसे रेगिस्तान तुझे एक ही है तो फिर क्या दुबई और क्या जैसलमेर जी। मैं तो खरीदारी जा रहा था फिर मुझे आप तीनों दिख गए। ओ बाय गॉड जी इतनी गंदी हालत थी ना जी आपकी। ओ मतलब तुआडी बुंडा तो जी परोठा बन रखा सीगा। ओ जी फिर मैं तुआनू उठाया ते पानी शानी पिलाया ते एथे लाया। ओ यार तू तो वेरी स्वीट लस्सी है, तूने हम तीनों की जान बचाई, हम तेरा एहसान कैसे उतारेंगे बेटा? जी 60,000 देके 20,000 पर लाइफ 20 20 20। इसकी बहन की टन टन। अबे जान बचाने के पैसे कौन लेता भाई? हम जी अंकल वो
पापा जी कहते हैं ना, जान और गांड एक जैसी होती है, तो उसको लेने के और बचाने के कुछ तो पैसे लगेंगे ना जी। और जी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, नहीं नहीं नहीं, ना 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 जी, मैं तो पाई पाई जोड़ के अपनी प्रीतों पे लगाऊंगा जी, फिर एक दिन इसी पे अपनी बिल्लो जान के साथ घूमूंगा। बिल्लो जान, ये डायन है कौन? बिल्लो जान अंकल जी, ना ना ना, डायन नहीं है वो ताजी, इमोशन है इमोशन। वो जल्दी जल्दी पैसे निकालो यार, फिर मेरे को भी जाना है यार। और अगर हम पैसा ना दे तो यू आर अंडर अरेस्ट। सॉरी जी, फिर तो मैं क्या ही बात करूंगा। पर ये करेगी जी, देसी है पर 4 मीटर पे मार देती है, और आप तो 3.5 पे ही हो, आपकी तो डेथ पक्की। एक्सक्यूज मी मिस्टर लसे, शूरवीरों का खून दौड़ता है मेरी रगों में, ये बंदूक की नोक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुंदन, मैं नहीं चाहता तेरे को लोग मर्डर का बेटा बुलाए, तो प्लीज मेरे को पीछे ले चल जल्दी। हाँ हाँ बाबा, पीछे आ जाओ। चलो अंकल जी, थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेते हैं, फिर मुझे स्टार गेजिंग पे जाना है रात को, तो मैं 5 तक काउंट करूंगा जी, आप डिसाइड कर लेना अपने में, ठीक है? ओके, 1, 2, 3। अंकल जी मैं ना बोर हो रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। अबे पिट क्यों रहा है? मार, अरे गला दबा उसका, मार दे, रेड डाल दे इसके मुंह में, रेड डाल दे। अरे कैसा बेटा है यार ये, क्यों खिलाते तू उसे? अरे कुछ खिलाता ही नहीं मुझे लगता है। मार, कैसे बताऊं ये तो मर जाएगा। कुंदन, मैं आ रहा हूँ बेटे। अरे आओ अंकल जी, आओ अंकल जी, आजा बेटा, चलो चलो, आओ रख। अंकल जी आप क्यों शर्मा रहे हो? आओ लो, आओ इधर आओ। हाँ अंकल जी, आप ना मॉडल नहीं समझ रहे, देखो आपकी जान मैंने बचाई तो आपकी जान हो गई मेरी, अब अपनी जान मेरे से खरीदने के लिए निकालो 1,00,000 रुपए। अरे अभी तो आपने 60,000 बोले थे। अंकल जी मेरे पेशेंस का कुछ नहीं, अरे उसके 40,000 तो बनते हैं ना, और वैसे भी ना मेरे पेशेंस खत्म हो रहे हैं, वो जल्दी निकालो ना तो मैं गोली मार के ठा ठा ठा। ओए लस्सी, पालम जी मारा चिरे मेर बरे से मेवरे, पालम जी मारा चिरे मेर बरे से मे, आप बसोनी पर दे, आप बसोनी पर देस रे, पालम जी मोरा
साहब जी महाराज झिरमिर भरे से मेवरे पालम जी मोरा झिरमिर भरे से क्या क्या घूर रहा है? अरे अभी तो टाइम है ना फेरों में, साथ में फेरे से पहले भगा लेंगे अपनी दुल्हन को। अरे टेंशन मत ले, ले तू भी कुछ खा ले, ले चौमिन खा ले, ले। अरे नहीं खाना मुझे यार। अरे खत्म बड़ी यार, टिक्के नहीं आए अभी तक यार, टिक्के मंगवाए थे। मैं बोलता हूँ रुक। अरे रुक जा, मैं लेके आता हूँ। तू कुछ खाएगा? दो ले आना, दो दो ले। थैंक यू। बाबा बाजी नहीं दिख रही यार कहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस कुछ ही देर में आ रही हैं जवान और बूढ़े दिलों की धड़कनें बढ़ाने हमारे राजस्थान की शान बिल्लो जान। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर मंच की तरफ आ जाइए। बहुत बढ़िया, चल गुना जल्दी चलते हैं। अरे बिल्लो आ गया, तेरा बिल्ला आया। अरे पापा, अरे यार भाई साहब ये टिकन चिक्का, ओ अपना चिकन टिक्का कहाँ मिलेगा? उधर। दो सौ किलो सोना, नीले घाघरे वाली औरत, घाघरा उठा खजाना दिखा। अरे बस जी, कितना खाओगे यार तुम? घाघरा उठा खजाना दिखा। घाघरा उठा खजाना दिखा। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही, इतनी देर से बोल रहा हूँ घाघरा उठा खजाना दिखा, मेरे को और भी काम है, टाइम नहीं। चल घाघरा उठा खजाना दिखा। सॉरी भाई ने ठोकू, हाँ शादी ब्याह में इसलिए आता है तू? अरे 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 क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तब से देख रहे बकवास किए जा रहे, बोल रहे घाघरा उठा खजाना दिखा। अरे कौन सा खजाना लेना है तुझे है? अरे भाई जो अंधेरे कोपे में छुपा हुआ है वो खजाना सिर्फ मैं लूटूंगा। मेरा मतलब पुलिस बुला, पुलिस बुला। अरे 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 भाई साहब रुक जाओ, अरे पुलिस मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ। अरे इस महल के नीचे ना खजाना है खजाना, और उस खजाने का नक्शा इनके पास है, दे दे रही। अरे दे दो ना यार। महल खजाना राइट। अबे चूतिए, दो महीने पहले बनी है जगह, इसने तो टिका रखी है। पुलिस पुलिस तुमसे नहीं। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा यार, बार बार पुलिस क्यों बुला रहे थे यार? अरे मैं आपका रिलेटिव हूँ, रिश्तेदार हूँ मैं आपका, मैं आपका बाहर है तो बाहर है तो मैं 12 नंबर गली में, 12 नंबर गली, मैंने कहा था मेरे दोस्त है 12 नंबर गली, और कैसे भाई साहब है 12 नंबर गली 12 नंबर गली। अरे भाई अब 12 नंबर गली का सुअर अपनी शादी में घुस गए, मारो मारो इसे। मारो इसे, मारो 12 नंबर गली वाले को, मैं ले अपना बदला पूरा, मारो इसको। अरे मजा चखा दे इस 12 नंबर गली वाले को, मारो मारे से। अरे भाई साहब इतना भी नहीं मारना चाहिए किसी को यार। अरे हमारी शादी में आके हमारी औरतों को छेड़ रहा है, बताओ। अरे फिर तो मारो और मारो और मारो। अरे यो किसे मार रहे हैं, पकड़ो उसे, मारो मारो साले को। बचा लिया आपको। वैसे घाघरा उठा के खजाना दिखाई, ये ले खजाना, खाना लीजिए। देखो देखो कौन है,
लड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस कदर मच जाए मगर होश वाले भी मद होश आए नजर मेरे फोटो को। अबे क्या कर रहा है, मेरी माँ है, निकल। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया पैबी काल से। क्या कर रही है? तूने तो कहा था कि तू किसी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है जो डिप्रेस लोगों की मदद करते हैं, पर तू तो यहाँ अधलंगी घूम रही है। सही में दादी, ये सब क्या है यार? अरे बेटे, मैं एनजीओ के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। मैं अशोक गुप्ता और क्रेस्ट्रा एनजीओ। बेटे ये तो जितने मर्द देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे डिप्रेस हैं, डिप्रेस। क्योंकि क्योंकि ये मर्द है मर्द, और मर्द का खुश रहना उतना ही पॉसिबल है जितना मच्छर के मुंह से सुरामी लाना। और बेटा, अगर इन मर्दों को मेरा नाच देखकर खुशी मिलती है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो माँ, तू ये सब समाज सेवा के लिए कर रही थी? अरे पागल है क्या? अबे पैसा मिलता है दबा के, मोटा चाहती मोटा। अगर तुम दोनों को बता दिया ना कितना कमाती हूँ, अरे तुम दोनों की खड़े खड़े मार चलेगी। अरे वो सब छोड़े झटो, तुम ये बताओ तुम दोनों साफ से बोले या करने जा रहे हो? इस शादी के दुल्हन का असली दूल्हा नहीं आता तो ये शादी कैसे होती? हाँ, बबीता मुझसे प्यार करती है। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अरे क्या तमाशा है कुंदन। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आपकी बात नहीं हो रही, आप अपनी ब्यूटीफुल डॉटर बबीता जी को बुलाओ, उसकी बात हो रही है, यही कहीं होगी। बबीता, बबीता। पापा, बबीता कुत्ती नहीं है यार, और यही है मेरी बबीता, मेरा प्यार, मेरा लव। हे भगवान, ये भगवान, अबे ये पक्का सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं पापा, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। अरे बहुत सी क्या होती है। अरे अच्छा लगेगा, मैं समाज में बताऊंगी कि मेरी बहू मुझसे 2 साल बड़ी है। अरे चुप करो तुम सब, ये क्या शादी शादी लगा के रखा हुआ है? और मैंने तुम्हें कब फील कराया कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ? क्यों, वो जो रात रात भर तुम टेक्स्ट करती थी मेरे को, हम जो बातें करते थे, और तुमने तो मेरे को आई लाइक यू भी बोला था। उसके आगे बेटा भी लिखा था, वो कौन बताएगा? इस औरत ने बेटा बोला तेरे को? अरे पापा, प्यार मोहब्बत में बाबू बेटा सोना तो चलता ही है। और एक मिनट, अगर ये मेरे से प्यार नहीं करती तो मैं जो इसको पिक्चर्स भेजता था उस पे ऐसे रिएक्ट क्यों करती थी? ओह, लुकिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी, सामने होती तो पूरा खा जाती। क्यों? मुझे तो पहले से पता था कि इस औरत में एक हॉट है। ये औरत जवान बच्चों से अपनी हवस पूरा करना चाह रही है, हमें क्या दिक्कत है भाई साहब? पापा, दाल बनाई थी इसने, उसकी फोटो पे बोला था लुकिंग हॉट एंड स्पाइसी। कम ऑन बबीता, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे इनडायरेक्ट इशारे नहीं समझता? लुक कुंदन, आई वॉज वेरी अलोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन काम और करियर के चक्कर में शादी का सोचा ही नहीं। लेकिन जब रैंडमली सोशल मीडिया पे तुमसे बात शुरू हुई ना, तो आई रियली लाइक्ड योर कंपनी। सोचा टाइम से शादी हो जाती तो तुम्हारे जैसा मेरा ग्रैंडसन होता। एंड आई रियलाइज्ड आई रियली मिस्ड अ लॉट इन माय लाइफ एंड आई डिसाइडेड टू मैरी रवि जी। एंड थैंक यू, तुमने ही तो मुझे रियलाइज कराया ना दैट आई नीड समवन। एंड
एंड आई एम रियली सॉरी दैट यू गॉट अदर थॉट्स. अरे बहन जी आपकी कोई गलती नहीं है. नाउडेज दीस किड्स आर इनटू अ थिक ग्रैनी. बस बहुत हुआ, आप किसी ने भी पवित्रा को परेशान किया तो खून की नजर भाग दूंगा, समझे? बहन ते लंद और दांत में अबे तेरे जैसों की ना ब्लड बैंक में ना फोटो लगी होती है कि रक्तदान देकर मेरे को बचाओ. तू बहाएगा खून की नदियां. अबे ओ चले जा साले, नहीं तो छोटी बीड़ी समझ के फूंक देंगे तेरे को. चल ले. एग्जैक्टली रवि, आई जस्ट लुक इनोसेंट. एक्चुअली मैं आई एम अ डीमन. यस यस ही इज माय सीमन. अरे डीमन यार, तीन की मां बहन कर देते हो. सॉरी सॉरी. दैट्स इनफ. कहां है, कहां है इंस्पेक्टर शेखावत? आए हैं ना शादी में? कॉल हिम, कॉल हिम राइट नाउ. अरे वो कोई ना गली नंबर 12 से घुस आया था तो उसी ठिकाने लगाने गए हैं. कौन था? पता नहीं, लेकिन दिखने में एकदम ऐसा था जैसे किसी चमगादड़ का मुंह इंसान के धड़ पे लगा दिया हो. राजेंद्र फोन उठाओ जल्दी. हेलो हेलो हुकुम, वो गली नंबर 13 वाले पलटन लेके गली नंबर 12 की तरफ आ रहे हैं और उनका कोई नया मुखिया भी है. हाँ सबसे आगे भाग रहा है वो. लौंडे इकट्ठे कर लो. अरे क्या बात कर रहा है, अरे फोन रख. अरे पिंटू पब्लिक गोलू, अरे काम मर गए सारे, अरे नीचे आ जाओ. अरे 13 नंबर गली वाले पहुंच गए यहां पे. अरे लठ और तलवारें भी लेके आना. अरे आराम दे दो, तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? अरे जाओ. फोन लेके तैनात है. पलटो पलटो. मंदन बहुत ड्रामे कर लिए तूने, अब मैं और बेइज्जती नहीं दूंगा. अभी घर चल और ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को. अरे गली नंबर 12 घुस गए, लड़के बुलाओ, लड़के बुलाओ. कदम बड़े बबीता, सुनो सुनो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी सारी सांसें दे दूंगा. मैं भी. अबे तेरे पे तो बची दो है बुड्ढे. चलो चलो प्लीज मेरे साथ. तुम मेरी हो, चलो मेरे साथ. बंदर तुझे दिख नहीं रहा उसको नहीं आना तेरे साथ, क्यों जिद कर रहा है? बेटा कुंडू जहां जिद होती है वहां प्यार नहीं होता, और जहां प्यार होता है वहां जिद तो बिल्कुल भी नहीं होती बेटा कुंडू. ज्ञान मच्छो तो फालतू का, ठीक है बंदी सेट करने दो. बबीता चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो. माँ इसका बने थे दाल भाटी चूरमा, हम चलते हैं. आजा मेरे साथ. गली नंबर 13 के कुत्ते, अरे गली नंबर 12 के सुअर. निकल ले, कहाँ से निकल ले माँ? तू कौन सी गली गए? 12 या 13? बोल, बोल. मैं तो भाई साहब गली नंबर 14 का हूँ जी.
भाई साहब, आपकी और हमारी लड़ाई तो ये गली नंबर 14 के मादर चौक ने करवाई थी। सही कह रहा भाई तू, फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? सही बात है। बंद करो लड़ाई, बंद कर। ये गली नंबर 14 का मादर चौक मिल गया, मारो साले को। भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई? So guys, आप acting बोलो, story बोलो, या फिर emotions, comedy, कुछ भी बोलो, बहुत ही A1 लगा मुझे तो। और हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत मजेदार था, बहुत मजा आया। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें सब्सक्राइब करते जाओ भाई।